श्रीमती तुलसी महारानी की वृंदावन तुलसी देवी प्याय के श्रोष्ठ कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्य भक्ति नमो नमः। सब बोले आ जाओ इधर इधर घुमा दो एक मिनट। वृंदावन तुलसी देवी प्याय के श्रोष्ठ कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्य भक्ति नमो नमः। वृंदावन तुलसी देवी प्याय के श्रोष्ठ कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्य भक्ति नमो नमः। श्रीमती तुलसी महारानी की अब लोग आगे नमो Thank you.
हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को, भारतवासियों के हृदय से बधाई। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, सभी देशवासियों, भारतवासियों से अनुरोध है और विदेश में भी जो हमारे भारतवासी सब रहते हैं, सबके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता का जो संदेश है उसको अपने जीवन को उतारिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे जो संदेश है कि भारत बनते हैं जमजात जन्म सार्थक का एक पर्व कर, जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है उनका कर्तव्य है तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवत गीता का पढ़ करके अपना जीवन सार्थक करें। ये गीता का ज्ञान और हरे कृष्ण महामंत्र दूसरों को दे करके अपना लाभ उठाएं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और इस्कॉन के जितने मंदिर हैं पूरे वर्ल्ड में सब मंदिरों में जा करके आप जो है इसका लाभ उठाए। भक्तियों को अपनाए अपने जीवन में, अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंद रहना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। बड़े खुशी की बात है कि ये जो दिल्ली का मंदिर है अपना रजत जयंती मना रहा है और इस्कॉन के शिल्प प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले राधा पाठशाली जी का स्थापना की थी, तो गोपाल किंग गोस्वामी महाराज के अथक प्रयास से ये मंदिर बना है, इसका पूरा लाभ उठाए। और दुनिया की जो सबसे बड़ी गीता है वो आज दिल्ली मंदिर में रखी गई है, तो आप आइए भगवत गीता का भी दर्शन करें। हरे